हम रोड क्रॉस करके आ चुके हैं इस पर। अब हम इधर से रिकॉर्डिंग करेंगे, दिखाएंगे आपको। थोड़ा चल के एक बार पीछे दिखाते हैं चीज़ों को, जिससे कि आप समझ जाएं कहाँ हम आ चुके हैं। इधर आप देखेंगे ये मिंटो पार्क है, थोड़ा सा देख रहे होंगे आप अशोक का स्तंभ, ये यहाँ जो अभिलेख लगा हुआ है दिख रहा है शायद, अब इसमें देख पा रहे होंगे, लेकिन हम चल के दिखाएंगे। हमारा एक वीडियो है जो कि हम पूरा बनाए हुए हैं अशोक स्तंभ पर, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। एक बार हम इधर पुल से नीचे दिखाते हैं जिधर सीढ़ियाँ हैं, तो इधर देखिए सीढ़ी चढ़ने के लिए इधर से भी है। इधर कुछ लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ लोग पढ़ भी रहे हैं, तो आप भी यहाँ आके पढ़ सकते हैं, क्वालिटी टाइम अपना स्पेंड कर सकते हैं। और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा रहता है यहाँ पर पढ़ने लिखने और बैठने का। और इधर सीढ़ी बनी है, आप चढ़ भी सकते हैं। और इधर हम आपको दिखाते हैं, ये सामने संगम है, गंगा यमुना का संगम, और सरस्वती घाट भी है। अब हम आपको आगे चल के दिखाते हैं, अंधेरा होता जा रहा है, फिर भी हम चलते हैं आगे दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हम पुल पर आगे आ चुके हैं, अब दिखाते हैं आपको एक बार क्लोज एकदम पास से, ये रस्से बंधे हुए हैं यहाँ पर, देखिए लाइट्स भी लगी हुई है, दिखाते हैं हम लाइट्स। ये इटालियन लाइट्स हैं, अभी ये ऑफ हैं, अभी ऑन होंगे तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आएगा। और यहाँ देखिए रस्से पे पुल बना हुआ है, और ये रस्से काफ़ी लंबे हैं, इसीलिए इस पर सस्पेंशन है, पुल दबता रहता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। खूबसूरत नज़ारे का आप आनंद उठाइए। और इधर आप देखेंगे, इधर नदी का नज़ारा है, ये देखिए खूबसूरत पानी। अभी शाम का टाइम, सामने संगम, सामने पुराना किला भी है, उसकी हल्की हल्की लाइट्स ऑन हैं, शायद आप देख पा रहे होंगे। ये पुराना किला है सामने, सरस्वती घाट है इधर, और ये सामने संगम, गंगा नदी आके मिलती है। और पानी आप देखना चाहें तो इस तरह से पानी है, लाइटिंग्स भी लगी हुई हैं काफ़ी खूबसूरत। चलिए वहाँ पर देखिए गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ चलती रहती हैं, चल के हम आपको दिखाते हैं आगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं पुल के और क्लोज चलते हैं हम। फ्रेंड्स, हम पुल के एकदम क्लोज आ चुके हैं, देखिए ये काफ़ी पास से नज़ारा, लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, और यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए ये पुल। उम्मीद करते हैं आप इसका आनंद उठा पा रहे होंगे, कभी आप प्रयागराज आके आप इसका आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर देखिए पुलिस की गाड़ियाँ भी जाती रहती हैं, नैनी सेंट्रल जेल है, तो उसमें भी जो कैदी बंद रहते हैं आते हैं, हाई कोर्ट में इलाहाबाद है, वहाँ से नज़ारे का आनंद उठाते हैं। और इधर देखिए हम थोड़ा कैमरा घुमाते हैं और देखते हैं खूबसूरती इस पुल की, लोग आते हैं यहाँ सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और काफ़ी आनंद लेते हैं। ये प्रिजनर वैन है जो कैदी होते हैं उनको ले जाने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एकदम पास चलते हैं। फ्रेंड्स, हम एकदम पास आ चुके हैं, अब यहाँ से आपको दिखाते हैं एकदम, ये देखिए पुल का नज़ारा। और आप मान के चलिए कि आप एकदम खंभे पर आके खड़े हो चुके हैं, इधर हम एकदम खंभे के क्लोज हैं, और यहाँ से देखते हैं, ये देखिए इतना खूबसूरत नज़ारे का आप आनंद उठाइए। कितने ज़्यादा रस्सों पर बना हुआ है पुल, एकदम पुलों से हम आपको दिखा रहे हैं, नीचे आएंगे, ये गाड़ियाँ भी चल रही हैं, काफ़ी स्पीड रहती है यहाँ पर चलने की, देखिए इस तरह से गाड़ियाँ चल रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं इसको एक बार, आपको और दिखाते हैं, देख सकते हैं कितना क्लोजनेस है। अब नीचे उतरते हैं, इधर दिखाते हैं आपको नदी, ब्रिज और बहुत सारी चीज़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को अब ख़त्म करने वाले हैं, नया वीडियो बनाएंगे, शाम हो चुकी है, अब हम लोग यहाँ थोड़ी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, आप भी आप यहाँ आके एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहता है। प्रयागराज आइए, आप प्रयागराज का आनंद उठाइए, चीज़ों को देखिए और आगे बढ़िए। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो पर हमारे चैनल पर बने रहिए, जिससे हम ऐसे वीडियो अपलोड करते रहें तो आपके पास नोटिफिकेशन और मैसेज पहुंचता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का आप आनंद उठा सकें। तो धन्यवाद, जय हिंद।